हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल एरा। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल स्टडी करना होगा। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक जनरल पीरियोडिक टेबल बना दिया है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ हैं। तो डी ब्लॉक यानी कि ये जो रेंज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 21 to 30, 39 to 48, और ये यानी कि ये पूरा ये वाला बीच वाला कॉलम, तो इस यहाँ पे ये जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे एफ ब्लॉक यानी कि ये जो यहाँ पे एक सीरीज है अलग, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, यानी कि 57 पे लैंथेनम है, 89 पे एक्टिनियम है, उसके बाद जितने भी आते हैं एलिमेंट उन सब में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है। इसके लिए उसको एक अलग यहाँ पे अलग ब्लॉक कंसीडर किया है जिसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। तो वो एफ ब्लॉक 58 से शुरू होता है, 71 पे ख़त्म होता है, तो वो उस टाइप के कंपाउंड्स को हम कहेंगे लैंथेनाइड्स। एंड जो 90 से लेके 103 तक है उसे हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो ये हमने देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ये जो 1, 2, 3, 4, ये जो चार रोज है हमारे, ये रोज होते हैं, तो ये चार रोज में इस पोजीशन पे, यानी कि ये जैसे फॉर एग्जांपल 21 से 30, और ये ऐसे पूरा जो जितने भी एलिमेंट्स है वो है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसी में यहाँ पे यहाँ से एक अलग सीरीज शुरू होती है आफ्टर 57, तो वो 57 से जो अलग सीरीज है उनको एक अलग एलिमेंट दिया, बिकॉज ये सारे हाईली रेडियो एक्टिव है। तो इसके लिए ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि उसमें भी दो टाइप है, लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स। अब इसमें हम देखेंगे कि मतलब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस कैसे इनका नाम डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक पड़ा है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि इसका नाम कुछ इस तरीके से डी ब्लॉक इसीलिए पड़ा है बिकॉज जो भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड बनाना या जो भी केमिकल रिएक्शन हो या कुछ भी हो, जो भी रिएक्टिविटी है वो डी सब ऑर्बिटल में होता है। यानी कि अभी हमारे ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, एटम्स के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स के भी अंदर एक ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो ऑर्बिटल्स यानी कि ऑर्बिटल्स चार टाइप के होते हैं, एस पी डी एंड एफ, ये हमारे चार टाइप के ऑर्बिटल्स है। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम पे आ सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ के अंदर एक टाइम पे 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये हमारे सब ऑर्बिट सब शेल्स, इसको हम सिंपली सब शेल्स भी बोल सकते हैं, तो या और सिंपली जस्ट कॉल इट एज ए ऑर्बिटल। तो हमारा एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक जनरल मतलब इनका मैक्सिमम स्पेसिंग है, यानी कि एफ में मैक्सिमम 14 ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, पी में 6 एंड एस में 2। तो डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि क्या, तो जो भी एक्टिविटी रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी, वो मतलब जो भी हो, चाहे रिएक्शन हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या कुछ भी हो, वो हमारा जो भी रहेगा वो डी ऑर्बिटल में होने वाला है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी होगी वो डी ऑर्बिटल में होगी। इसके लिए ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम डी ब्लॉक में बिलोंग करते हैं और कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और वहीं पे एफ ब्लॉक यानी कि क्या, एफ ब्लॉक यानी कि जो भी इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी कुछ इस तरीके से होगी कि जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग या शेयरिंग या जो भी रिएक्शन होएगा इलेक्ट्रॉन का, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एफ ऑर्बिटल में होता है। इसके लिए इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ पे एक अलग प्लेस में दिया है, वैसे ही डी ब्लॉक। सिमिलरली अगर मैं पी ब्लॉक कंसिडर करता हूँ, तो पी ब्लॉक यानी कि ये जो ये साइड के एलिमेंट्स है, यानी कि द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो सारे के सारे पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक में ऐसा होता है कि अभी जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिकल रिएक्शन या फिर इन शॉर्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा पी ऑर्बिटल में, इसके लिए वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक में यानी कि जो भी एक्टिविटी होगी वो एस ऑर्बिटल में होगी, इसके लिए वो है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन्स के मतलब जो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स भी कैसे, एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सिक्स में मैक्सिम पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो उसके जरिए हमें मालूम पड़ता है कि हमारा कंपाउंड कौन सा है, डी ब्लॉक रहेगा
पी ब्लॉक रहेगा, एफ ब्लॉक रहेगा या एस ब्लॉक रहेगा। तो ये हमने एक बेसिक जान लिया कि डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अभी हम मैं उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जैसे 21 है, अभी 21 से 30 है, तो मैं एक बार इसको कहीं पे भी ऐसे जैसे लिख सकता हूँ 21 टू 30। तो जो भी फॉर एग्जांपल इस रेंज में जो रहेंगे वो डी ब्लॉक वाले रहेंगे। एफ ब्लॉक के लिए फॉर एग्जांपल मैं 58 से कंसीडर कर रहा हूँ, 58 टू जैसे 71, तो वो है एफ ब्लॉक वाले। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। अब ये जो 21 वाला एलिमेंट है जो डी ब्लॉक का एकदम स्टार्टिंग एलिमेंट, तो अभी मैं उसको कंसीडर करता हूँ 21 एटॉमिक नंबर। और ये है स्कैंडियम। तो अभी 21 है, तो 21 को अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक, ये ऑर्बिटल्स है हमारे, तो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स का भी एक रूल है कि वो किस तरीके से उसको फिल किया जाता है। तो उसके लिए जैसे है, ये एक टेबल है, ये टेबल को अगर आप नोट कर लेंगे तो इसी के जरिए हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा। तो ये इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, उसके बाद 1p शुरू कभी नहीं होगा, उसके बाद सीधा सेकेंड ऑर्बिटल p, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, फिर सीधा 2d, 1d एंड 2d कभी नहीं हो सकता, इसके लिए 3d, तो मतलब थर्ड ऑर्बिटल जो है हमारा d ऑर्बिटल, 3d, 4d, 5d, 6d, फिर फोर्थ ऑर्बिटल 4f, 5f, 6f। तो इस तरीके से ये हमने एक जनरल टेबल कंसिडर किया। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन फिल्स होएंगे वो कुछ इस तरीके से फिल होएंगे कि जैसे फर्स्ट जो भी इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई होगा वो पहले 1s में होगा, उसके बाद जो सेटिस्फाई होगा वो 2s में होगा। यानी कि आप इसको स्केल से भी ऐसा करेंगे तो जो पहले आता है वो पहले होगा, तो 1s, 2s, 2p, 2p के बाद आता है 3s, उसके बाद आएगा 3p, 4s, उसके बाद आएगा 3d, 4p, 5s, उसके बाद आएगा 4d, 5p, 6s, फिर अगर f ऑर्बिटल शुरू होता है तो सेम ऐसे ही। तो यानी कि जो राइट से लेफ्ट में जो भी पहले आएगा उसे हम पहले ऑर्बिटल, यानी कि वो ऑर्बिटल पहले फिल होना चाहिए। तो अभी फॉर एग्जांपल जैसे एटॉमिक नंबर 21 है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का अभी एटॉमिक नंबर है तो उसको मैं स्प्लिट करूंगा। तो कैसे होएगा उसका स्प्लिट, जैसे फर्स्ट में डुप्ले तो 2, 8, अब ये 8, अब 8 भी कुछ इस तरीके से है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी पहले कौन सा आ रहा है 1s, तो 1s, 1s, s में कितने मैक्सिमम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s, 2, सेकेंडली सेकेंड कौन सा आता है 2s, तो 2s, कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी नेक्स्ट कौन सा आता है 2p, तो 2p, p में कितने आते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए 6, तो 1s2, 2s2, 2p6, तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। अभी एटॉमिक नंबर 21 है, अभी सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हुए, तो और हम करते 2p के बाद कौन सा आता है 3s, तो 3s
एस में कितने, टू इलेक्ट्रॉन्स। अब एस के बाद अभी यहाँ पे है वो क्या है, थ्री पी, तो थ्री पी, पी में कितने मैक्सिमम, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखते हैं क्या है एटॉमिक नंबर, सिक्स प्लस टू एट, एट एंड सिक्स फोर्टीन, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, यानी कि अभी भी तीन इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो थ्री पी के बाद फोर एस, अब जितना भी आ रहा है उसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे, टू प्लस टू फोर टेन, टेन एंड टू ट्वेल्व, ट्वेल्व एंड टू फोर्टीन, अब टोटल यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स है। अब और एटॉमिक नंबर है 21, तो 4s2, s2 अभी अभी जो शुरू होगा वो 3d, तो 3d1, अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि 2 प्लस 2 4, 4 एंड 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 एंड 6 18, 18 प्लस 2 20 एंड 1 21। तो अब ये जो था ये इसका एकदम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। तो अभी इसमें अभी जो देख रहे कि जो डी इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन में लास्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये अनसेटिस्फाइड है। अभी ये जितने भी है सब में मैक्सिमम, जो भी है मैक्सिमम सब वो सेटिस्फाइड है। डी का मैक्सिमम कितना सेटिस्फेक्शन है, 10 इलेक्ट्रॉन, बट इसमें है ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो जो भी एक्टिविटी होगा वो हमारा डी ऑर्बिटल में होगा। इसके लिए इस ब्लॉक को, ये जो जैसे 21 है तो वो ब्लॉक को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि जो भी एक्टिविटी होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी वो डी ब्लॉक में होगा। तो अब इसी टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसे डी में वन है तो इसी तरीके से अभी 22 होगा, तो डी में अगर मैं जैसे 22 करूं तो अभी आगे का सेम रहेगा, खाली पीछे का चेंज हो गया। तो लास्ट के मैं खाली ये दो लिखता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4s2 3d2, 3d2 हो जाएगा। 23 के लिए जो भी एटॉमिक है, जो भी एलिमेंट होगा 23 एटॉमिक नंबर होएगा, तो उसका ऐसा होगा 4s2 3d3, 24 का 4s2 3d4, 25 में 4s2 3d5, 26 4s2 3d6, 27 4s2 3d7, 28 4s2 3d8, 29 4s2 3d9 एंड 30, अब ये जो लास्ट है मतलब जो सिंगल रो था उस रो में, जैसे 21 टू 30 था डी ब्लॉक में, तो ये 30 में जैसे 4s2 3d10, अब इसमें मैक्सिमम 10 आ गया। इसके लिए ये यहाँ पे खाली इतने ही, जो पीरियोडिक टेबल में देखा था कि जो 30th एलिमेंट था तो वहीं तक वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स था, क्यों, बिकॉज जो भी एक्टिविटी थी वो डी ब्लॉक में था। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं जो भी लेता तो वो ये इस साइड आ जाता, वो हो जाता पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में 3d के बाद क्या आता है, 4p, यानी कि जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी होगा वो 4p यानी कि p ऑर्बिटल में होगा। तो p ऑर्बिटल कहाँ, p ब्लॉक एलिमेंट में जाता है। इसके लिए वैसे टाइप को हम p ब्लॉक कहेंगे। और ये जो इतने टाइप्स देखे फॉर एग्जांपल जैसे 22 23 ये 30 तक, तो उन सब में ये d पे जो है तो 2 3 4 5, तो जितना भी ये 3d 10 तक है ये हमारा जो भी है d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी हो रहा है। इसके लिए ऐसे टाइप को हम कहते हैं d ब्लॉक एलिमेंट्स। तो d ब्लॉक एलिमेंट्स में अब ये तो जो था वो हमारा थियोरेटिकल, अब ये जो था हमारा थियोरेटिकल कॉन्फ़िगरेशन था, यानी कि जो एक्चुअल थियरी के हिसाब से जैसे हमने ये पढ़ा तो उसके हिसाब से, थियरी के हिसाब से ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, जबकि एक्चुअली में क्या होता है, अब
कभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये 24 है, 24 में थियोरेटिकली क्या देखा, 4s2 3d4, लेकिन इसमें क्या होता है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में, क्या होता है जो एस ब्लॉक में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है डी ब्लॉक में, तो उससे हमें मिलता है 4s1 and 3d5। अब ये जो दोनों है वो दोनों हाफ फिल ऑर्बिटल है, यानी कि s का मतलब कितना कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो है 1। d का कितना कैपेसिटी है, 10, लेकिन है 5। तो ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर सेटिस्फाइड एंड मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस टाइप 4s2 and 3d4। तो इसके लिए ये जो है ये हमारा थियोरेटिकल है, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड आता है यानी कि जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन, वो इस तरीके से रहता है 4s2 and 3d5। यानी कि जितने भी अगर हाफ फिल्ड दोनों ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड रहेंगे तो वो दोनों मोर स्टेबल रहेंगे और मोर एक्टिव भी रहेंगे। तो इस टाइप में हमने देखा कि जो एक्चुअल जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से होता है। तो खाली यही एक एक्सेप्शन है, यानी कि 4s2 and 3d4। तो ये हमने देखा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एकदम बेसिक्स। अभी जैसे कि हमने ये डी ब्लॉक का देखा, अभी मैं फॉर एग्जांपल एफ ब्लॉक का कंसिडर करता हूँ। तो एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे अगर डी में था, अभी ये डी में 1s2 2s2 2p6, अभी ये जो 1 है 2 है 3 है, ये हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। तो ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल, तो फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2। सेकेंड में भी 2 ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। तो हम दोनों अगर मैं खाली नंबर में लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि 2 में कितने हैं, 2 + 6, तो यानी कि 2, 8। अब थर्ड में कितने हैं, 1, 2, तो 6 + 2, 8। फिर ये 4s आ जाता है, 4s। तो बाद में फोर्थ में यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 2, फिफ्थ 3d, ये 1 हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा तो भी हमें समझ में आएगा, या फिर जनरली अगर हम लिखते हैं तो इसको हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि पूरा अगर डिटेल में लिखे तो बेटर रहेगा, जैसे 1s2 2s2, वो भी इस रूल से। तो इस रूल से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होता है, यानी कि पहले 1s होगा, 2s होगा, फिर 2p, फिर 3s। तो इस तरीके से हमें मालूम पड़ता है कि ये जो नंबर है जैसे 1, 2, 3, 4, ये हमारे ऑर्बिट से, यानी कि कौन से ऑर्बिट में वो जाएगा, और ऑर्बिट में भी कौन से ऑर्बिटल में, जैसे कि s में जा रहा है या p में जा रहा है या d में जा रहा है। तो ये उससे आइडिया लग गया और उसी के जरिए हमें पता चला कि जो भी एक्टिविटी है वो d ऑर्बिटल में है, इसके लिए वो एलिमेंट्स होते हैं d ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब f ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा। अभी जैसे कि हमने देखा, मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसका एटॉमिक नंबर है 58, यानी कि 58 से ही हमारा f ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है। तो 58 वाला जो एलिमेंट है उसे हम लैंथेनम कहते हैं। तो लैंथेनम का अभी मैं 58 है तो उसका किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स फिल होगा। तो सबसे पहले 1s2, फिर आता है 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p6, फिर आएगा 4s2, उसके बाद आएगा 3d10, 4p6, 5s2, उसके बाद 4d10। अभी देखते हैं इतने में कितना हमारा इसका एटॉमिक नंबर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। 2 + 2, 4, 4 and 2, 4 and 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, अभी भी इसका है 58, मतलब और 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 4d के बाद आएगा 5p6, 5p के बाद 6s2, उसके बाद आता है 4f, यानी कि 4f। अभी यहाँ पे देखना है कितना ये सेटिस्फाई हो रहा है, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 38 + 10, 48, 48 और
48 और 2 50 56, और यहाँ पे है 58, यानी कि F पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4F2। तो इस तरीके के ये हमने कंसीडर किया है 58, यानी कि लैंथेनम। तो अभी ये 4F2, तो जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है वो है F ऑर्बिटल, मतलब F का मैक्सिमम कैपेसिटी है 14, बट है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी होगी वो इस ऑर्बिटल में होगी 4F2 में। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि जो भी F ऑर्बिटल है, F ऑर्बिटल में ही हमारा जो रिएक्शन होगा, तो उस टाइप के एलिमेंट को हम कहेंगे F ब्लॉक एलिमेंट। तो अब ये हमने एक जनरल देखा। अगर मैं इसको ऐसे ही कंसिडर करूँ तो मैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं 59th वाला एटॉमिक नंबर वाला लेता हूँ, तो उसका मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा कि यहाँ तक तो पूरा सेम है, खाली आगे से 6s2 4f3, तो ये हो जाएगा 59 वाला। अभी फॉर एग्जांपल 60 वाला लेता हूँ, तो 6s2 4f4। तो इसी तरीके से मतलब 4f, जब तक वो 14 तक नहीं हो जाता तब तक वो 4f रहेगा, और उसके बाद तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 58 से जैसे शुरू होता है एक रो में, और ये 70 पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि सब सेम है आगे का, जैसे 6s2 6s2, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे, ये सारे कंपाउंड जो है वो F ब्लॉक एलिमेंट के, यहाँ यानी कि F14 पे, ठीक है। F14 आ गया मतलब वो सेटिस्फाई हो गया। तो अभी अगर मेरे को इसको हाफ इलेक्ट्रॉनिक, अभी इसमें से देखूंगा कि कौन सा, ये सब जो है हमारा थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कुछ इस तरीके से होगा कि अभी जितने भी एलिमेंट है उसमें फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये है 62 वाला, यानी कि 62 का थियोरेटिकल कैसा है 6s2 4f6, तो इसमें क्या करेगा 1s जंप करके f में आ जाएगा, तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा 6s1 4f7। तो ये जो है ये दोनों भी हाफ फिल्ड है, यानी कि s में 2 की जगह 1 है, f में 14 के बदले 7 है, तो दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो सेम। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, एंड जो एक्चुअल जो वैल्यू है मतलब जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो ये है। तो ये जो था वो थियोरेटिकल है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारा ये है। तो 62 का ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगा 6s1 4f7, तो ये 62 का। अभी अगर आगे हम देखते तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे 69 है, 69 में भी जैसे यहाँ पे 6s2 है 4f13 है, तो इसमें भी क्या करेगा s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके f में आ जाएगा, तो वो 6s1 हो जाएगा 4f14 हो जाएगा। तो f ऑर्बिटल पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, खाली s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से रिएक्ट करते तो वो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते, इसके लिए इस टाइप में कंपाउंड में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे टाइप को ये जो 69 वाला कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारा एक्चुअल जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि 6s1 एंड 4f14, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है f ऑर्बिटल में, तो f ऑर्बिटल सेटिस्फाई हो जाता है, खाली s में बाकी रहता है। फिर अगर s में बाकी रहता है तो उसका रिएक्शन हम इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के सिमिलरली डी ब्लॉक एलिमेंट में भी ऐसा ही था, हमने देखा था एक जैसे फॉर एग्जांपल जब हाफ फील्ड होता है और एक में ऐसा रहेगा जो एस में से जब वो डी में चला जाएगा, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं एस डी ब्लॉक एलिमेंट, एंड ये वाले जो टाइप्स थे वो एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये था पूरे चैप्टर का बेसिस, इसी के जरिए हमें मालूम पड़ा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं,
और डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसका जो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी होती है वो डी ऑर्बिटल में होता है, एंड एफ ब्लॉक इसीलिए कहते हैं कि इसकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी होती है वो एफ ऑर्बिटल में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू वॉन्ट माई फुल चैप्टर वीडियो प्लीज़ विजिट द फॉलोइंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको और ऐसे वीडियोज़ चाहिए तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।